गट्टू चिंकी और दादा दादी। एक सुनहरी शाम में दादा और दादी गांव के ग्राउंड में आए हुए थे। वहां बच्चे खो खो खेल रहे थे। मैं उसी माहौल से ऊब जाती हूँ। कितना अच्छा होता अगर बच्चे यहाँ होते। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब क्या करें, उनका भी तो करियर है, इसलिए तो वो शहर गए हैं। हाँ, लेकिन चिंकी और गट्टू को भी शहर ले जाने की क्या जरूरत थी। वो यहाँ हमारे साथ होते तो कितना एंजॉय करते। अरे बाबा, उनको भी तो अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। गांव में अच्छे स्कूल नहीं होते। लेकिन गांव में हम तो होते हैं। हम उन्हें अच्छे संस्कार देते और सिखाते भी। अरे रोज फोन तो करते हैं वो। हाँ, लेकिन मुझे उन सब से मिलने की बहुत आस है। ऐसा लगता है कि वो जल्द से जल्द अगर इस समर वेकेशन में आएंगे तो हम उन्हें बीच पर सैर के लिए लेकर जाएंगे। मैं उनके लिए बहुत मस्त मिठाई बनाऊंगी। और मैं उनके लिए पेड़ से आम तोड़ कर लाऊंगा। हाँ हाँ, अब सपने देखना बंद करो और घर चलो। दादा दादी घर ही जा रहे थे कि तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है और गाड़ी में से गट्टू चिंकी उतर कर दादा दादी के पास दौड़ते हैं। अभी तो हमने सोचा था कि बच्चे कब आएंगे और ये क्या है, तुरंत बच्चे सामने। मुझे लगा बस मुझे ही वहम हो रहा है। क्या आपको भी बच्चे दिख रहे हैं? हाँ बाबा, सच में बच्चे आए हैं। हेलो पापा मम्मी। मम्मी और पापा दादा दादी जी के पैर छूते हैं और चिंकी और गट्टू तो जैसे उनके ऊपर उछलने लग जाते हैं। दादाजी, हम आ गए। हमें आपसे मिलना था, इसीलिए हमने जिद पकड़ ली। हमें भी आप दोनों की बहुत याद आ रही थी पापा मम्मी, इसलिए हम तुरंत यहाँ चले आए। हम भी अभी वही बात कर रहे थे, हमें बच्चों की बहुत याद आ रही थी। दादाजी, मेरे आम कहाँ है? अरे चलो अभी अंदर चलकर हाथ मुंह धो लो, फिर खेत में जाकर भरपूर आम खाना, ठीक है? जैसे ही सभी लोग अंदर जाते हैं तो चिंकी बोल पड़ती है। दादी जी रुको, अभी आप कुछ काम नहीं करोगे, अभी सब काम हम करेंगे। आप बस यहीं बैठो और हमें कहानियाँ सुनाओ। अच्छा अच्छा, बताओ कौन सी कहानी सुननी है? मुझे बड़े से राक्षस की कहानी सुननी है। मुझे अकबर बीरबल की कहानी सुननी है। और दादी उन्हें बहुत अच्छे से अपने साथ कहानियाँ सुनाते सुनाते सुलाती हैं। दूसरे दिन सभी लोग मिलकर कैरम खेल रहे थे। दादाजी वो व्हाइट गोटी मारना, व्हाइट गोटी, हाँ अच्छे से एम लगाना, एम। दादाजी आपका एम कितना सही है, मुझे भी सिखाओ ना। मैं बोर हो रहा हूँ, चलो ना हम कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, हम बीच पर घूमने जा सकते हैं। ये, हम बीच पर जाएंगे, हम बीच पर जाएंगे। और सभी लोग बीच पर घूमने जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। दादाजी ये इतना बड़ा समंदर, इतने सारे पानी, ये कहाँ खत्म होता है? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे दूसरा देश है। मुझे वो दूसरे देश जाना है, हम कैसे जा सकते हैं? अरे बच्चों, तुम्हारे माँ पापा गांव छोड़कर शहर गए, तभी हमें बहुत बुरा लगा। तो अगर तुम दूसरे देश में जाओगे तो तुम्हारे माँ पापा को और साथ में हमें भी बहुत बुरा लगेगा। तुम लोग हमेशा हमारे साथ ही रहना। आप दोनों हमारे साथ क्यों नहीं रहते? हमें आपकी बहुत याद आती है। अरे हमें भी आपकी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, यहाँ खेती बाड़ी भी तो संभालनी है। खेती बाड़ी किसी और को संभालने के लिए दे दो ना, और आप हमारे साथ चलो। हमारे दोस्तों के दादा दादी उन्हें पार्क में घुमाने के लिए लेकर आते हैं, तो उन्हें देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। अगर आप दोनों हमारे साथ रहोगे तो बच्चों पर भी अच्छे संस्कार होंगे। हाँ पापा, अब तो चलो हमारे साथ, अब बच्चे भी नहीं मान रहे। दादा दादी आप हमारे साथ आओगे तो आप जब चाहो हमारे साथ खेल सकते हो और हर रोज आप हमें कहानियाँ भी सुनाओगे। आपको हम पसंद है या नहीं, चलो ना आप हमारे साथ। आपको हमारे साथ आना ही होगा, वरना हम यहीं रुक जाएंगे।
अच्छा बाबा ठीक है, हम दोनों आएंगे तुम्हारे साथ। ये फाइनली दादा दादी हमारे साथ आएंगे, ये। और जैसे ही सब लोग घर पर आते हैं, तभी शाम में पूरा घर चिंकी और गट्टू का डेकोरेट होता है और दादा दादी को सरप्राइज देते हैं। वेलकम होम दादा दादी। दोस्तों, असली शिक्षक तो घर के बुजुर्ग ही होते हैं, प्यार से ही बच्चों को तजुर्बा पढ़ा देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।